Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, my name is Micheal, welcome back to another new episode of GTA 5. Now, you guys have seen in the last episode that Micheal has made an army of friends, German Sepherd Dog, Husky and Rottweiler. And today is the day, friends, today we are going to fight the army of the Mafia, okay? So, today's episode is going to be a lot bigger, so please watch the end of the video. And if you haven't subscribed to your channel, quickly, quickly go and hit the subscribe button. And in this video, we aim for सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक्स का, तो आशा करता हूं आप लोग ये पूरा कर दोगे, ठीक है? तो फाइनली अभी दोस्तों जो है माइकल यहां पर बिल्कुल रेडी हो रहा है आज के लिए, और आज बिल्कुल हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हम लोग जो है कमांड देंगे अपनी डॉग्स को. तो आज हम लोगों ने दोस्तों यहां पर तीन डॉग्स लिए थे अपनी आर्मी में, जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की एंड रॉटविलर, जो कि तीनों ही काफी खतरनाक ब्रीड हैं. और सबसे पहले अभी लेस्टर को कॉल कर लेते हैं और लोकेशन पूछ लेते हैं कहां पे लड़ना है और सब कुछ क्या-क्या है, ठीक है? तो फाइनली अभी दोस्तों लेस्टर से मेरी बात हो चुकी है. लेस्टर ने बोला बिल्कुल ही बिल्कुल, जहां पे उसने लोकेशन बताई वो सेंड कर दी है. अब वो लोकेशन एक तरह से आप लोगों ने देखी होगी, अगर केजीएफ आप लोगों ने देखी होगी तो उसी लोकेशन पे दोस्तों हम लोगों को जाना पड़ेगा. मतलब उस टाइप की पूरी लोकेशन है, आप लोगों को बिल्कुल केजीएफ का सीन याद आ जाएगा, ठीक है? तो जरूर से हमको उस लोकेशन पे जाना है. और बाकी आज का भी दिन काफी ज्यादा बढ़िया है, ठीक है? तो आज के दिन में मुझे करना क्या है, सबसे पहले अपनी मैंने कार दी हुई है प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पे मॉडिफाइड कराने के लिए, ठीक है? तो जैसे कि आप लोगों को पता है माइकल काफी बड़ा गैंगस्टर है, तो एक माफिया के सामने हम लोग जा रहे हैं अपनी डॉग आर्मी को लेके. तो फाइनली आप लोग यहां पे देख पा रहे हो हमारा थोड़ा सा दोस्तों जो है रेपुटेशन के तौर पर एक काफी बढ़िया दोस्तों जो है पोस्ट होनी चाहिए. मतलब फाइनली यहां पर फार्मर का भी कॉल आ चुका है, और फार्मर ने मेरे को यह बोला है कि सारे के सारे डॉग्स ले गए जो लेस्टर ने उसको लोकेशन बताई है, मैंने भी उसको फार्मर को बता दी है, और फार्मर भी वहीं पर जाके मुझे अभी मिलने वाला है, ठीक है? तो अभी दोस्तों यहां पर अभी हम खटारी सी ट्रेसी की गाड़ी लेके जाने वाले हैं मिनी कूपर. तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो सबसे पहले दोस्तों जो है माफिया के सामने हमको अपना फर्स्ट इंप्रेशन देना है. तो अभी तक तो हमने एक दोस्तों उसकी कारी वगैरह चुरा रखी है, ठीक है? और उसने दोस्तों उसके लिए कुछ प्राइस भी रखे हुए हैं. अब दोस्तों उसको कार का कुछ टेंशन है ही नहीं, ठीक है? जो हमने कार उसको चले चुराई तो उसके लिए बिल्कुल मामूली है, ठीक है? मतलब उसने बहुत बड़ा कार का बिजनेस है या फिर पता नहीं क्या है, उसके पास बहुत ज्यादा लग्जरी कार हैं. तो अगर हम जीतते हैं तो हमें दोस्तों गिफ्ट में वो सारी की सारी लग्जरी कार मिलने वाली है, ठीक है? तो अभी दोस्तों वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल बीच में स्किप मत करना, ठीक है? तो फाइनली अभी जल्दी से जा रहा हूं मैं प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पे. भाई हम अच्छी कार लेंगे, अच्छे सूट पैंट पहनेंगे, तभी थोड़ा दोस्तों जो है माफिया के सामने इंप्रेशन जमेगा कि हां भाई कोई गैंगस्टर आया हुआ है मुझसे लड़ने के लिए, ठीक है? तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो अभी मिनी कूपर को मैं जल्दी से लेके आ गया हूं प्रीमियम मोटर डीलक्स स्पोर्ट्स पे, जो कि दोस्तों लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा कार शोरूम है. और इसको दोस्तों मैंने सीमियन को दी थी कार मॉडिफाइड कराने के लिए, देखते हैं उसने कार कैसी मॉडिफाइड कराई है. हालांकि दोस्तों मेरे को एक झलक तो दिख रही है, तो गाइस आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि वो खड़ा है, पीछे जो खड़ा हुआ है दोस्तों सीमियन खड़ा है. और ताली ये ब्लास्ट कहां हुआ, पीछे कुछ भी ब्लास्ट होता रहता है. तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हो ये री वो कार. जरूर से मुझे कमेंट करके बताना क्या चमक रही है गाइस, क्या चमक है इसमें, क्या शाइन है. और ये कलर है दोस्तों गोल्ड और क्रोम कलर, मतलब दोस्तों इसमें जो है और चार चांद लग गए हैं. पहले से तो ये बहुत ज्यादा बेस्ट दिख रही है. पहले दोस्तों इसमें सिंपल ब्लैकिश जो शाइन कलर का था, लेकिन गाइस ये वाला जो कलर है वो काफी ज्यादा शानदार लगा मेरे को. ग्रेट वर्क सीमियन, ठीक है? तो जल्दी से मैं इसको बात करके इसका पेमेंट कर देता हूं. तो फाइनली मैंने ये कलर जो है खरीदा था सिर्फ और सिर्फ 5 मिलियन डॉलर में, जो ये पूरी जो है हम लोगों ने एक तरह से मॉडिफाइड करा दी है. अब 5 मिलियन डॉलर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गाइस अपनी कार जो दिख रही है वो बिल्कुल ही बिल्कुल बहुत सही दिख रही है. जरूर से कमेंट करके बताना कि यार ये वाली कार हम हमेशा के लिए रख लें कि नहीं रख लें, ठीक है? बाकी आप लोगों को पता होगा अपनी सिग्नेचर कार बुगाटी बोलिदे है ही है, बाकी कितनी ज्यादा शानदार है. इसका साउंड, इसका शॉक और इसका साथ-साथ दोस्तों इसका बूस्ट, वो बहुत ज्यादा लग्जरी है सब कुछ, ठीक है? और ये तो मॉडिफाइड ही है दोस्तों, इसकी शाइन को तो कुछ हो ही नहीं सकता. बाकी हम लोग अगर किसी कार को भी टक्कर मारे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो कार दोस्तों हवा से बातें करने लग जाती है, और कुछ तो दोस्तों इसकी टक्कर कार सही नहीं पाती. जो दोस्तों छोटी कारें होती हैं वो सीधा ब्लास्ट हो जाती हैं. अब माइकल को क्या करना है उससे पहले जाने के लिए, सबसे पहले वो जाएगा पॉन्स बॉय में. पॉन्स बॉय क्या है दोस्तों, एक ड्रेस, यानी कि हम लोगों को लेना पड़ेगा सूट पैंट वगैरह, जिसके कारण हम माफिया के सामने और सुंदर और बढ़िया दिख सके, ठीक है? मतलब इंप्रेशन अपना एकदम बिल्कुल कमी नहीं रहनी चाहिए कि हां भाई हम भी कुछ कम नहीं है, ठीक है? तो फाइनली अभी मैं अपनी कार को लेके आ गया हूं. कार तो भाई जो देख रहा होगा ना रोड में वो भी पागल हो गया होगा. लेकिन दोस्तों माफिया के पास, इसके पास काफी ज्यादा बुगाटी बोलिदे हैं, वो तो दोस्तों कुछ भी कर सकता है. लेकिन दो आम लोग बंदा जो देख रहा होगा हमारी कार को, वो भाई मुंह उसका फटा का फटा रह जाएगा, ठीक है?
तो फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ दोस्तों पॉन्स बॉय पे। अब जल्दी से अंदर जाता हूँ यहाँ पर और एक बढ़िया सा सूट पैंट लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है अभी जस्ट माइकल यहाँ पे उठ के आया सो के, और यहाँ पर उसको एक बढ़िया सी सूट पैंट की ज़रूरत है। तो आज हम लेने वाले हैं, ब्लैक नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पर मेरा कुछ और मन है। तो यहाँ पर अभी दोस्तों मेरे को सबसे बढ़िया कौन सा दिख रहा है, हाँ ये क्रीम सूट बढ़िया दिख रहा था, लेकिन और देख लेते हैं तो नीचे शॉर्ट और सूट मिल रहा है तो बेकार लगता है, ठीक है। तो फाइनली मैं ये क्रीम कलर का जो सूट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और इसमें हम दोस्तों जो है शू लेने वाले हैं वो भी ऑक्सफोर्ड के शू लेने वाले हैं, और इसमें दोस्तों हम लोग लेने वाले हैं वाइट शू। तो कहाँ है वाइट शू, हाँ ये रे गाइस अभी आए थे वाइट शू, ये रे गाइस वाइट ऑक्सफोर्ड के हमने शू लिए हैं दोस्तों $790 के, ठीक है। मतलब पैसे की तो कमी बिल्कुल नहीं है दोस्तों माइकल के पास, तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल जो है एकदम बेस्ट बन के जाना है, ठीक है। तो अभी दोस्तों माइकल यहाँ से निकलने वाला है, और इसके बाद डायरेक्ट हम लोग निकलने वाले हैं KGF की लोकेशन पे, जहाँ पे दोस्तों एक तरह से ना वो आप लोग देखोगे तो बिल्कुल आप लोग वही सीन याद आ जाएगा, ठीक है। तो अपनी बुकाटी खड़ी है, और भाई किसी की दम नहीं है कि कोई ये कार चुरा ले, मतलब मैं कहीं पर भी पार्क कर दूं अगर वो चुराया तो दोस्तों वो ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है माइकल इतना बड़ा गैंगस्टर है और सबको उसकी आदतें पता ही हैं, ठीक है। तो फाइनली अभी मैं जल्दी से निकलता हूँ, पीछे हम लोगों ने इसकी ब्रांडिंग भी करा रखी है जॉर्डन, तो नेम प्लेट में आप लोग देख पा रहे हो पीछे लिखा हुआ है जॉर्डन, ठीक है। तो जॉर्डन गेमर को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और इस वीडियो में लाइक एम आप लोग कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है, प्लीज़ यार करवा देना। 2000 लाइक का मैं एम करता हूं आप लोगों से, ठीक है, तो प्लीज जरूर करवा देना। तो फाइनली आप लोग यहां पे देख पा रहे हो अभी मैं इस ट्रक को जब टक्कर मारता हूं ना तो काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि गाइस इनका जो वो भयंकर उड़ रही है देखो हवा में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है, और अब मैं अपनी कार को ना फुल स्पीड पे चलाने वाला हूं, ठीक है। मतलब अब हम लोग हाईवे में पहुंच गए हैं बातें करते करते आप लोगों से, तो यहां से दोस्तों वो रास्ता जाता है और यहां पर दोस्तों हम इसको बिल्कुल जो है फुल स्पीड पे चलाने वाले हैं, और बाकी वो भी बच गए, थोड़ा सा हम लोग बच गए, नहीं तो अभी यहां पर मैं फुल स्पीड पे चलाता हूं और जो कोई आएगा उसे हम ठोकते जाने वाले हैं, ठीक है। अपनी कार को तो कोई असर होने नहीं वाला है क्योंकि गाइस वो पूरी की पूरी मॉडिफाइड है। अब यहां से जल्दी से मेरे को निकलना है और फुल स्पीड पे चलाना है, बाकी कार पे चलते चलते ब्लास्ट हो तो कितना ज्यादा बढ़िया लगता है। अभी यहां पर आप लोग देख पा रहे हो मैं फुल स्पीड पे कार को चलाया जा रहा हूं, और बाकी दोस्तों आने वाली जितनी भी कारें हैं वो सारी की सारी ब्लास्ट होती जा रही है, ठीक है, जिसमें दोस्तों लक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहा है। तो फाइनली हम लोग उस एंट्री वाली जगह पे पहुंच गए हैं जहां पे दोस्तों एक तरह से पूरा आप लोगों को KGF का सीन मिलने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा उस मूवी में KGF 1 में, चैप्टर 2 तो अभी तक आया ही नहीं है, लेकिन उसका टीज़र इतना धमाकेदार था गाइस कि इसका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हो चुका हूँ अभी यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली अभी आप लोग देख पा रहे हो जैसे वो वाली जगह थी एकदम, मतलब होल टाइप बना हुआ था, ठीक है, पहाड़ों के बीच में था, जिससे यहाँ पे वर्कर काम नहीं कर रहे, नहीं तो पूरी जगह ये वही लगती, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी बुकाटी आ चुकी है, वेन्यू जो माफिया ने दिया था वो यहीं दिया था, लेस्टर ने जो मेरे को लोकेशन बताई थी वो यहीं बताई थी। अब माफिया जो है अपने दो डॉग्स के, मतलब पूरी ब्रीड लेके आया हुआ है, उसके पास दो ही डॉग्स थे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था उसके होम सिक्योरिटी में हम लोगों ने देखा था, रॉटविलर एंड जर्मन शेफर्ड। जैसा कि उसका कहना है कि मेरे डॉग्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हैं, लेकिन दोस्तों हम भी कम नहीं हैं क्योंकि हमारे पास फार्मर जो है वो फार्मर सारे के सारे ट्रेन डॉग लेके आया हुआ था, जिसके कारण मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था फार्मर से। अब फार्मर को दोस्तों मैं ऐसा सोचता हूँ अपना बिजनेस पार्टनर बना लूँ, और साथ में दोस्तों जो है जितना भी पेट का जो बिजनेस है वो सारा हम लोग साथ में मिल के कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जल्दी से मैंने अपने स्टाइल पे यहाँ पे कार जो है पार्क कर ली है, और बाकी यहाँ पे दो रॉटविलर मेरे भाग गए, चलो कोई बात नहीं, दो रॉटविलर भागने दो क्योंकि रॉटविलर का इतना काम भी नहीं है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों काम नहीं है, उसको मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रहा पूरा सेटअप गाइज लड़ने का, क्या सही लोकेशन ढूंढी है माफिया ने, मतलब ये बात तो कहनी पड़ेगी। अब फाइनली जो हमारा प्राइस है वो देख सकते हो आप लोग, ठीक है, प्राइस के तौर पे हमें दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ कार रखी हुई हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पीछे जो है लग्जरी कार डेविल 6 रखी हुई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लग्जरी होती है, और आगे बुकाटी बोली तो हमने खूब चला रखी है, लेकिन जो जीतेगा वो सारी की सारी से कार मिलने वाली है। और बाकी माफिया को मेरी कार काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद आ गई है जो कि दोस्तों गोल्ड और क्रोम कलर में है, तो उसने बोला कि तुम मेरे को ये वाला वर्जन अपना दे दोगे, ठीक है। तो ये हम दोनों के बीच में डील फिक्स हुई है, और फाइनली यहाँ पर ये रहा माफिया दोस्तों दो स्ट्रिपर के साथ है, और साथ में अपनी दोस्तों जो है पीछे सिक्योरिटी लगा रखी है, और इसने हाथ में दोस्तों दो मशीन गन ले रखी है। तो माफिया आप लोग देख पा रहे हो कितना ज्यादा खतरनाक है, और ये उसके कुछ बैरियर्स में दोस्तों डॉग सिक्योरिटी रखी हुई है। तो ये दोस्तों सबसे पहले डॉग्स हैं जो है रॉटविलर है, जो कि दोस्तों पूरी बैरियर में एक तरह से कैद है, मतलब ये बहुत ही ज्यादा खूंखार है ऐसा समझ रहे हैं लोग। और यहां पर दोस्तों जो है जर्मन शेफर्ड है। अब दोस्तों इनको देख के मेरे अपने डॉग्स की याद आ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दोस्तों देखो कंफ्यूज ना होने के लिए यहां पर जो है मतलब स्टार्ट कैसे होगा मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो हमारे पास दोस्तों हमारे
तरफ से फार्मर आया हुआ है और साथ में लेस्टर भी आया, अगर कुछ भी गपला होता है तो कुछ भी होगा तो सही सही हो जाएगा। बाकी दोस्तों फार्मर जो है बिल्कुल चेयर कर रहा है ताकि दोस्तों जो है फाइट हम लोग ही जीतें, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी से मैं फार्मर से बात कर लेता हूँ, सॉरी माफिया से बात कर लेता हूँ और पूछता हूँ कि भाई कैसे क्या है, सब कुछ स्टार्ट करना है। जल्दी से मैं जाता हूँ, बात करता हूँ और फिर आप लोगों को बताता हूँ। फाइनली अभी मेरी माफिया से बात हो चुकी है, माफिया ने जैसे ही बोला है जैसे ही यहाँ पर कुछ क्रैकर्स फटे इसका मतलब जो है एकदम से स्टार्ट होने वाली है। तो जैसे कि आप अभी आप लोग देख पा रहे हो तो फाइनली यहाँ पर जो है क्रैकर्स की साउंड आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, यानी कि दोस्तों जस्ट अभी बिगिन होने वाली है फाइट। और उसके बाद फाइट किसके साथ होगी, जैसे कि लिया आप लोग कंफ्यूज भी ना हो, तो हम सबसे पहले करवाने वाले हैं जर्मन शेफर्ड की फाइट साइबेरियन हस्की के साथ, क्योंकि जर्मन शेफर्ड करवा देंगे तो आप लोग पहचान नहीं पाओगे किसके कौन से डॉग हैं। तो सबसे पहले हम जर्मन शेफर्ड डॉग वर्सेस हस्की कराने वाले हैं और फिर अपने दोस्तों जर्मन शेफर्ड वर्सेस उनके रॉटवीलर से हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले ये रिंग हटाई जाएगी और रिंग हटाने के बाद दोस्तों जो है डॉग्स को एकदम से खुले एरिया में छोड़ दिया जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो है फाइट होने वाली है। अभी बहुत ही ज़्यादा शानदार फाइट होने वाली है, यहाँ पर बने रहो बस चैनल पर, ठीक है। तो फाइनल आप लोग देख पा रहे हो अभी कि माइकल बिल्कुल रेडी है और माइकल को दोस्तों पर्सनली थोड़ा सा डर लग रहा है उसको, तो वो अपनी कार के ऊपर खड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हस्की भी इतने ज़्यादा हैं। अब दोस्तों कार की आप लोग इतनी टेंशन मत लो, क्योंकि आप लोग को पता होगा माइकल के लिए ये सब एक धूल के बराबर, ठीक है। वो इतनी कारें ठोकता है, इतनी कारें बनाता है, तो उसके ऊपर आराम से खड़ा भी हो सकता है। तो जल्दी से रिंग हटा के मैं आप लोगों को मिलता हूँ। फाइनली आप लोग देख पा रहे हो GSD वर्सेस हस्की होने वाला है, तो लेट्स बिगिन। रिंग हट चुकी है, तो यहाँ पर दोस्तों जो है सारे के सारे हस्की जो है एकदम से दोस्तों यहाँ पर भूखने लगे हैं। और ले भाई, सबसे पहले जाते ही उन्होंने एक बंदा जो है नीचे दोनों को गिरा दिया और ऊपर से उन वाले हस्की हो मतलब जर्मन शेफर्ड की एकदम दम ही नहीं हो रही है कि वो आगे दोस्तों साइबेरियन हस्की से लड़ सके, इसलिए गाइस दूर से ही भूख रहे हैं। और बाकी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी दोस्तों जो है साइबेरियन हस्की ने पूरा का पूरा अटैक करना शुरू कर दिया है और दो डॉग्स अभी से ही डाउन हो गए हैं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्टार्टिंग ही नहीं हुई कि यहाँ पर जो है डॉग ने दोस्तों जो है दूसरे को डाउन करना शुरू कर दिया है और हस्की ने दोस्तों GSD पर यानी कि जर्मन शेफर्ड डॉग पर काफी तगड़ा हल्ला बोला है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये एकदम से आते जा रहे हैं और उन लोगों की दम ही नहीं पड़ रही, मतलब मैं बोलता हूँ ना जब एक साथ झुंड जाए तो गाइस किसी की हिम्मत नहीं होती कि आ जाए। तो फाइनली यहाँ पर और ज़्यादा दोस्तों जो है झड़प होती जा रही है और यहाँ पर हस्की दोस्तों जो है GSD को डाउन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली मैं भी नीचे आ चुका हूँ क्योंकि गाइस मैं तो थोड़ा बहुत डरता हूँ क्योंकि यार इनके डॉग्स कहीं कुछ मुझे काट ना दें, नहीं तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा खतरनाक सीन बन रहा है। मतलब आधे से ज़्यादा डॉग जो है मार दिए हैं साइबेरियन हस्की ने, मतलब फाइट स्टार्ट ही नहीं हुई थी कि यहाँ पर दोस्तों जो है इन्होंने डाउन करना शुरू कर दिया। अभी तो एक ओ भयंकर मेरे साइबेरियन हस्की को भी लग रही है, वैसा नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देख पा रहे हो GSD डॉग जो है पूरे के पूरे डाउन हो रहे हैं और हस्की दोस्तों एकदम से टूटे हैं। और यही देख के दोस्तों जर्मन शेफर्ड डॉग एकदम से नहीं आ पाए और जिन पे दम थी, जैसे कि फार्मर अपने में बोलता है कि मेरे डॉग्स में काफ़ी ज़्यादा दम रहती है, तो जिसके कारण दोस्तों जो था ये आराम से अभी मेरे को काटने आ रहा था। तो फाइनली आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो हस्की ने इसको भी डाउन कर दिया है। अब देखते देखते पूरे GSD डॉग्स गायब हो चुके हैं, मतलब आप लोग चेकआउट कर पा रहे हो यार, मतलब हस्की कितना सही खेल गए यहाँ पर और सारे के सारे मतलब एकदम टीम वर्क किया उन्होंने। और ये देखो मेरे को काटने आ रहा है, जल्दी आओ भाई मुझे बचाओ। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मेरे तरफ आते यहाँ पर हस्की ने इसको डाउन कर दिया और फिर अपने को लगवा ली, लेकिन गाइस अब ये लास्ट डॉग बचा हुआ है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो इसे जो है मिल के मारने वाले हैं ये लोग अब, ठीक है। तो फाइनली आप लोग देख पा रहे हो हस्की अब लास्ट वाले GSD डॉग को मारने वाले हैं, मतलब इतने डॉग में से सिर्फ और सिर्फ एक डॉग बचा है, ठीक है। देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक सीन है अभी। और यहाँ पर दोस्तों इस डॉग के पीछे पड़े हुए हैं और ये डॉग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब यहाँ पर 3-4 बार अटैक कर चुका है, इतने ज़्यादा हस्कियों ने इतना बार अटैक किया है। तो यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर लाशें बिछ गई हैं दोस्तों जर्मन शेफर्ड डॉग्स की और आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर पा रहे हो कि हस्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जो है अग्रेसिव में आ चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों जो है फाइट जीत चुके हैं। ऑलमोस्ट आप लोग को पता लगा होगा कि हमारे हस्की दोस्तों GSD डॉग से जीत चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं आप लोगों को पूरे कंक्लूजन के साथ मिलता हूँ और इनको दोस्तों अरेंज करके आप लोगों को डायरेक्ट मिलता हूँ। भाई कब तक मारोगे इसे। तो फाइनली ये भी जो है डेड हो चुका है मेरे ख्याल से, लेकिन इसको गुस्सा इतना आ रहा है तो जल्दी से मैं आप लोगों को मिलता हूँ। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हस्की खड़े हो गए हैं एक साथ, जैसे कि कमांड मैंने उनको दी थी और बाकी दोस्तों उनके जो गार्ड्स थे उन्होंने दोस्तों एक साथ सारी डेड बॉडीज़ को रख दिया है। बाकी दोस्तों मुझे दुख भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि इतने ज़्यादा जर्मन शेफर्ड डॉग या मेरे ख्याल से कुछ कुछ घायल हैं,
या फिर कुछ कुछ दोस्तों बेहोश हो चुके हैं, लेकिन फाइनली विनर जो है वो है दोस्तों साइबेरियन हस्की। तो आप लोगों को पता होगा कि हस्की हमारे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया डॉग्स हैं, ठीक है। तो जो कि फार्मर ने ट्रेन किए हैं, तो भाई हमें बिल्कुल भी शक नहीं रखना चाहिए और वो क्या ट्रेनिंग देता है। तो अभी जंप करने वाले हैं दोस्तों रॉटविलर वर्सेज जर्मन शेफर्ड, ठीक है, जिससे दोस्तों आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल ना हो। अब अपने जर्मन शेफर्ड जाने वाले हैं रॉटविलर से लड़ने के लिए और हमारे पास दो जर्मन रॉटविलर और हैं, जिसमें से दो पहले ही भाग गए जो दोस्तों ब्लू पट्टे के थे, ठीक है। तो ब्लू पट्टे वाले दोस्तों अपने ही हैं, ठीक है, और यहां पर दोस्तों जो है ब्राउन पट्टे वाले उनके हैं। तो ये कंफ्यूजन ना होने के लिए इसलिए मैंने उनको जो है जीएसडी वर्सेस रॉटविलर करवाया था। तो इनकी भी रिंग हट चुकी है। अब फाइनली यहां पर भी जो है रिंग मैं रखता कहां हूं मैं आप लोगों को बता देता हूं। पीछे हम लोगों ने गाइस रिंग लगवा रखी है तीनों की तीनों, हमने इनकी रिंग हटा दी है। अब जल्दी से दोस्तों फाइट जो है शुरू होने वाली है। तो गाइस फाइनली यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये दोनों जो ब्रीड है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ब्रीड है। मतलब इन दोनों का जो है अभी यहाँ पर इतने ज़्यादा वो भयंकर, आप लोग देख पा रहे हो मेरे जो हस्की हैं वो भी दोस्तों थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहे हैं कि मेरे दोस्तों को मत मारो। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरे के पूरे ब्लैक पट्टे वाले जितने भी डॉग्स हैं वो दोस्तों जीएसडी वाले जितने भी हैं सारे के सारे उनको मारे जा रहे हैं अभी। और यहाँ पर अभी दोस्तों दोबारा जो है शुरू हो गई है, मतलब इनकी दम नहीं हो रही अभी कि वो सारे एक साथ आ जाएँ और फिर लड़े, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि जर्मन शेफर्ड डॉग जब हस्की के साथ लड़ रहे थे तो जर्मन शेफर्ड डॉग डर रहे थे हस्की से एज कंपेयर टू दोस्तों रॉटविलर। अब ये दोनों एक साथ आए हुए हैं और फाइनली आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि आधे से ज्यादा रॉटविलर दो हैं फिर से डाउन हो चुके हैं और जर्मन शेफर्ड डॉग यहां पर जीतते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो बात क्या होती है दोस्तों, ट्रेनिंग की होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जीएसडी भी कम नहीं है, मतलब दोनों सारे डॉग्स बढ़िया थे लेकिन ट्रेनिंग के हिसाब से होता है। अब माफिया सोचता था कि उसके जो है बेस्ट ट्रेनिंग हम लोगों ने दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि सारे के सारे ये ब्लू पट्टे वाले कहाँ से आ गए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लगता है दोस्तों माफिया ने कुछ प्लान वगैरह रचा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मेरे डॉग्स नहीं है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली ये वाली फाइट भी एंड हो चुकी है और जहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो माफिया जो है काफ़ी ज़्यादा शोक बना रहा है, ठीक है। तो सारी बात यहाँ पर आती है दोस्तों ट्रेनिंग की। फार्मर ने काफ़ी अच्छा ट्रेन किया है इन लोगों को। मैं ये नहीं बोलता कि दोस्तों कोई डॉग बुरा है, सारे डॉग बढ़िया थे, अच्छा सब लड़े दोस्तों, लेकिन ज़्यादातर हमारे हस्की भी मारे गए हैं। जैसे कि आप लोग माफिया के पीछे देख पा रहे हो हमारे हस्की भी यहां पर थोड़े बहुत मारे गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही विनर हैं, ठीक है, थोड़े बहुत हस्की हमारे भी मारे गए हैं, थोड़े बहुत मतलब ज्यादा तादाद में दोस्तों उनके जर्मन शेफर्ड मारे गए हैं। और फाइनली दोस्तों आप लोग यहां पे देख पा रहे हो ये प्राइज हमारा हुआ, फाइट हो चुकी है। एंड ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बताना आप लोग। मिलते हैं दोस्तों कुछ नए और इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तो चलते हैं दोस्तों अभी। टिल देन गुड बाय, सेफ रहें, घर पर रहें और बने रहें जॉर्डन गेमर के साथ।